नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा में कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था, रांची पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान। झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। इसे लेकर सिटी एसपी सौरभ ने कार्रवाई के लिए 6 बिंदु पर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस संदर्भ में उन्होंने राजधानी के सभी थाना प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है। पहले बिंदु में सांप्रदायिक गड़बड़ी करने वाले संभावित लोगों की जानकारी मांगी गई। ऐसे लोगों का आपराधिक इतिहास बताने को कहा गया है। दूसरे बिंदु में पूजा के दौरान पूर्व की घटनाएं, घटना का कारण, घटना स्थल एवं उसके लिए जिम्मेवार लोगों के बारे में बताने को कहा गया है। तीसरी बिंदु में पूजा पंडाल, मूर्ति विसर्जन मार्ग एवं किसी घटना को लेकर संवेदनशील स्थान, मूर्ति विसर्जन से संबंधित सूचना, पूजा पंडाल आयोजन का नाम, विसर्जन का रूट और विसर्जन की तिथि मांगी गई है। पांचवें बिंदु में लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी पूजा पंडाल की सूची के अलावा छठे बिंदु में पूजा के दौरान पूर्व में दर्ज सांप्रदायिक केस के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। सिटी एसपी के निर्देश पर राजधानी के कई थानेदार ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। आप सबको बता दूं कि दुर्गा पूजा को लेकर रांची में पूजा पंडाल बनने शुरू हो गया है। इधर रांची पुलिस ने सुरक्षा को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। ढलाई करने जा रही मजदूरों से भरी पिकअप वैन झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त, 1 महिला मजदूर की मौत, 5 घायल। झारखंड के जामताड़ा जिले में आज रविवार को सड़क हादसा हो गया। इसमें 1 महिला मजदूर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। तत्काल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे में नारायणपुर थाना क्षेत्र के मंझलाटी गांव के समीप एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 1 महिला मजदूर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नारायणपुर थाना क्षेत्र के हरियोटी से करमदाहा ढलाई के लिए एक पिकअप वैन में सवार होकर सभी मजदूर आ रहे थे। इसी क्रम में मंझलाटी गांव के समीप पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर ही खरियोडी के महिला मजदूर मालती हसदा की मौत हो गई, जबकि इस सड़क हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर नारायणपुर थाना की पुलिस पहुंची और घायलों को उठाकर CHC नारायणपुर लाया गया, जहां 3 मजदूरों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें PMCH धनबाद रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य मजदूरों को हल्की चोट लगी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बिना लोकेशन बताए नहीं बना सकेंगे हाजिरी। बिना लोकेशन बताए अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन पाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई विद्यावाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया है। इसके तहत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विद्यालय को टैप भी उपलब्ध कराया गया है। शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अब तक जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा था, उसमें उपस्थिति बनाते समय लोकेशन दर्ज कराने की अनिवार्यता नहीं थी। लोकेशन दर्ज नहीं होने पर इसे शून्य बताया जाता था। अब शिक्षकों को लोकेशन बताना अनिवार्य हो गया है। शिक्षकों को टैप के साथ साथ मोबाइल से भी उपस्थिति बनाने की सुविधा दी गई है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2018 से ही शिक्षकों के बायोमेट्रिक्स उपस्थिति बनाने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को सीएम ने दी श्रद्धांजलि, बोले हमेशा दिलों में रहेंगे इनके आदर्श। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी आज हम सभी के बीच नहीं है, परंतु उनके आदर्श और विचार सदैव हमारे दिलों में रहेंगे। हाजी हुसैन अंसारी की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उनके आदर्शों और विचारों को अपनाकर मजबूत, खुशहाल एवं विकसित झारखंड के सपने को साकार किया जा सकता है। 2018 से बंद है हजारीबाग में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम, 400 से अधिक मोटिवेटर हुए बेरोजगार। झारखंड के हजारीबाग जिले में 4 साल से साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम बंद होने से 16 प्रखंड के करीब 200 पंचायत में 400 से अधिक कार्यरत प्रेरक उत्प्रेरक महिला और पुरुष बेरोजगार हो गया है। यहां साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम वर्ष 2001 में शुरू हुआ था, लेकिन यह मार्च 2018 से साक्षर कार्यक्रम बंद है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक पंचायत में एक एक प्रेरक उत्प्रेरक महिला और पुरुष का चयन हुआ था। सभी प्रेरक एवं उत्प्रेरक को मानदेय के रूप में प्रतिमाह 2000 मिलता था।
रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव प्रचार थमा, 16 पदों के लिए वोटिंग कल, मतदान के लिए आईडी ही मान्य। रांची जिला बार एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव 4 अक्टूबर को होगा, इसके लिए चल रहा चुनाव प्रचार शनिवार को थम गया। इस चुनाव में 16 पदों के लिए 78 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में 2155 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिना पहचान पत्र के वकील वोट नहीं दे पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को आईडी के रूप में अमान्य कर दिया गया है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर होंगे बहाल। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की खाली 169 पदों पर संविदा पर नियुक्त की जाएगी। प्रोफेसर के 86 और एसोसिएट प्रोफेसर के 83 खाली पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए 9 एवं 10 अक्टूबर को रांची के रिम्स के प्रशासनिक भवन में सुबह 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इन पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष रखी गई है।